तो आज हम बात करेंगे, बड़ी ही कॉमन दो कंडीशंस हैं, एक है फाइमोसिस और दूसरा पैराफाइमोसिस। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका आप पे क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। सो फाइमोसिस क्या होता है, जो आपका पिनाइल टिप होती है उसके ऊपर जो स्किन होती है उसे हम प्रिप्यूस बोलते हैं या प्रिप्यूशियल स्किन बोलते हैं। वो स्किन कई बार क्या होता है, जो पिनाइल टिप होती है उसके बिल्कुल आगे आके टाइट हो जाती है। अब उसके टाइट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई कंडीशन, जैसे बच्चों में क्या होता है, ये कंजनाइटल होती है। कंजनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ होती है, वो स्किन पिनाइल टिप के आगे जाके टाइट होती है। और जो बाद में होने वाली चीज़ें हैं, जैसे अडल्ट्स में ये फाइमोसिस का होना है, तो वो यूजली जो है इन्फेक्शन रिलेटेड होता है। जैसे कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रिप्यूशियल स्किन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है, तो इन्फेक्शंस की वजह से स्किन ओवर हील, बार बार हील होके वो पिनाइल टिप के आगे टाइट हो जाती है। या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि उस एरिया का कैंसर होना या कोई और डिजीज़ होना जिसकी वजह से पिनाइल टिप, जैसे कि BXO नाम की एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बेलेनाइटिस, उससे भी वो एक तरह की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिससे कि हीलिंग की वजह से जो है पिनाइल स्किन जो है प्रोफेशनल स्किन वो पिनाइल टिप के आगे जाके टाइट हो जाती है।